हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी, आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 13 मार्च, वार बुधवार। सुबह सुबह का टाइम है। वैसे टाइम तो मैंने देखा नहीं था। मैं लगी हुई हूँ अपना घर का काम निपटाने में। झाड़ू लगा ली थी, उसके बाद फिर अभी गोबर उठा लेते हैं। बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, नहीं तो थोड़ा बहुत काम बच्चे भी देख लेते हैं। और बाकी तो आप सबको पता ही है कि घर का काम या हमारे घर का माहौल कुछ दिनों से ऐसा ही चल रहा है। लेकिन ये है कि जो हमारे डेली के काम है ना, वो हमें हर हाल में करने पड़ते हैं। तो बस अपना गोबर बारी का काम निपटा लिया था, उसके बाद फिर मैं आ गई थी घी निकालने के लिए। और इस बार तो लगभग 1 महीना हो गया है, हमारी भैंस और कटड़ी दोनों ठीक नहीं हुए हैं। दवाई गोली सब चल रही है, लेकिन भैंस की तबीयत में तो फिर भी थोड़ा बहुत सुधार है। घास वगैरह तो इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं खाने लगी है, पर यह है कि चल फिर लेती है। और कटड़ी की तबीयत में तो बिल्कुल भी सुधार नहीं है। कटड़ी की तबीयत तो वैसी ही बनी हुई है जैसी पहले थी, मैंने आप सबको व्लॉग में दिखाई थी। तो जी, बस अभी घी निकाल दिया है। और अभी आज हमें जाना है रितिका की बुआ जी के यहाँ पर। 12-13 दिन हो गए हैं, तो आज के दिन है। हमारे यहाँ तो देखिए दिन ही बोलते हैं। 12-13 दिन तो घर में जैसे शोक वगैरह चलता है, और 13वें दिन बामण वगैरह जिमाते हैं, हवन होता है। तो उसके बाद फिर जैसे अपना जो डेली का काम रहता है, धीरे धीरे करके फिर ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से तो हमें शुरुआत करनी ही पड़ती है। और देखिए, काम हमारे चलते रहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस आज हमारा पूरा परिवार जाने वाला है, तो मैंने भी अपना सारा काम निपटा लिया है। ये यहीं पर रहेंगे, बाकी सब जाएंगे, तो एक को तो यहीं पर रहना पड़ता है पशुओं को देखने के लिए। तो मैं जाऊंगी, बाकी हमारे घर से सब जाएंगे। तो ये जैसे बच्चे भी रहेंगे और भैंस भी हैं, तो सानी वगैरह का काम देखना है। और काफ़ी लंबा सफ़र हो जाता है, 3-3.5 घंटे तो जाने जाने में ही लग जाते हैं। तो मैंने बच्चों के लिए रोटियां बना दी हैं। अभी कुछ दिनों से तो ये चल रहा है, बस खाना बना लेते हैं और बाद में कुत्तों को डाल देते हैं। खाने पीने का तो किसी का मन करता नहीं है, पर यह है कि बनाना रहता है। तो मैंने बच्चों के लिए रोटियां बनाकर रख दी हैं। आज ईशांत का पेपर है, रितिका की छुट्टी है, रितिका घर पर ही रहेगी। और ऐसे माहौल में बच्चों की पढ़ाई पर भी काफ़ी असर हो जाता है। इस बार इतनी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई बच्चों की भी। तो बस अभी मैंने अपना जो घर का थोड़ा बहुत काम था वो निपटा दिया था। टाइम तो लगभग 9 बज गए हैं, 9:15 बज गए होंगे। 9:30 बजे के आसपास घर से निकले थे हम। निकलते निकलते भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और काफ़ी लंबा सफ़र है, इसीलिए हम घर से थोड़े से जल्दी ही निकले थे ताकि ठीक टाइम पर घर वापस आ जाएं। क्योंकि 3-3.5 घंटे तो जाने में ही लग जाते हैं, और फिर 3-3.5 घंटे आने में लगेंगे, तो 6-7 घंटे तो ऐसे सफ़र में ही निकल जाएंगे। तो जी, बस आने के बाद मैंने फिर खाना बनाया था, सब्जी और रोटी। बाकी का काम सारा बच्चों ने किया था। वैसे तो मैं कहीं आती जाती हूँ तो मुझे उल्टी वगैरह की शिकायत नहीं होती है, लेकिन आज कुछ खाना पीना नहीं किया था। शायद इसी वजह से मेरी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ही डाउन हो गई थी, उल्टी वगैरह भी थोड़ी सी ज़्यादा ही हो रही थी। वो तो चलो आते टाइम और जाते टाइम कुछ भी नहीं हुआ, घर पर आने के बाद अचानक से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो बस मैंने बच्चों के लिए थोड़ी सी रोटियाँ बनाई थी, और बाकी का काम जो सामान उठाना था और बर्तन वगैरह साफ़ करने थे ना, वो रितिका ने किया था, सामान ईशांत ने उठा दिया था। बस अभी मैंने दूध जमा दिया है। दूध के जो काम रहते हैं ना, जैसे दूध घी के, वो तो हमें ही देखने पड़ते हैं। वैसे रितिका भी देख लेती है, लेकिन ये है कि जैसे दूध ओझना रहता है सुबह का शाम का सारा, ये सारे काम बच्चों से नहीं हो पाते हैं, बच्चे बच्चों की तरह ही काम करते हैं। तो बस अभी मैंने मेरा जो थोड़ा बहुत काम था ना, वो तो देखिए चाहे कितनी भी तबीयत बिगड़ी हुई हो, वो हमें करना ही पड़ता है। तो मैंने मेरा जो खाना बनाने का काम था, दूध वगैरह जमाने का काम था, वो किया था, बाकी का काम सारा छोड़ दिया था। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मेरी मम्मी मेरी वीडियो बना रही है, और मेरी बहन वहां पर खाली बैठी फोन देख रही है। अरतार मैं आपको समझाऊं बच्चों, ये काम करता हूं। ये डैनी गली होली किसने खेली है? इसको कोई काम नहीं होता। हम्म,
और ये मैं हूँ। तो जी अभी बज गए हैं 2:30 और आज है 14 मार्च और बृहस्पतिवार। आज कई दिनों के बाद फोन उठाया मैंने भी, आज काम निपटाने में भी थोड़े से लेट हो गई। 2:30 बज गए हैं काम करते करते। वैसे गर्मी तो अभी ठीक ठाक होने लगी है, सुबह शाम थोड़ी थोड़ी ठंड होती है। आज इन दोनों बहन भाई की छुट्टी है, कल का पेपर है दोनों का। बैठते रहतीगा तो ढंग से तरमन दे रही हूँ कमरे। अभी हवा चल पड़ी है काफ़ी तेज़ की, इन दिनों में वैसे हवा तो चलती ही है, तो थोड़ी सी देर लेट जाते हैं। 3:30 बजे फिर सामने का टाइम हो जाएगा। आज वैसे भी मैं सुबह का काम निपटाने में भी काफ़ी लेट हो गई हूँ, बस अभी काम निपटा मेरा। बच्चे घर पर रहते हैं तो काम ऐसे ही चलता रहता है पूरा दिन। रितिका तू थोड़ी सी ढंग सी रो लें बेटा, मैं अभी लेट जाऊँ तेरे सारे। मैं लेट जाऊँ टाउड सी बैठ के कर ले तेरा स्कूल का काम। 2-3 पेपर हो रह गए हैं रितिका, एक कल का है उसके बाद फिर 2 पेपर, फिर छुट जाएगा पूरा एक महीना निकल जाएगा। 2 मार्च कब तक शुरू हुए थे रितिका? 2 मार्च से स्टार्ट हुए थे और 27 मार्च का लास्ट पेपर है। 26 का अरोड़ी कद की है? 25 की। फिर 26 की तो डुलंडी होगी, डुलंडी पेपर कद पाछ होने लग गया। डुलंडी की तो छुट्टी होगा तो फिर 25 की होली को नहीं होगी, तंदे की होली कद की है। फिर देख अपने नीम का दाल बुड़क ले भी कौन था पहल तो थाने बापे की बोली तू बना दिए दाल बुड़क ले बना ली है होली की। वैसे इस बार हमारी कुछ तैयारी हुई नहीं है ना, हमने अभी तक दाल भुड़कले बनाई है। देख कद की होली दो इसने ठाक ले मजंत्री रही तो अपने फिर जंत्री देख ले। तो जी चलिए थोड़ी सी देर कर लेते हैं आराम, आप सबको पता ही होगा होली कब की है, इस बार हमें तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहा, देखा ही नहीं अभी तक होली कब ना दाल भुड़कले बनी। डैनी तने क्या दिक्कत सौर ना जा, इसे कुछ काम नहीं है तो इसका घूमना फिरना बस यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ ये चलता रहता है। डैनी आ जा, जरूरी है तना हानना, आराम से बैठ जाना। 24 की है 25 की तो लंबी है तो पांच थोड़े दिन रह गए थे का, फिर डाल तो बनानी थी। इंदिरा 10 दिन रही थी किसी दिन 10 दिन और लिए काम है बाकी। आजा छोरी आजा, थोड़ी सी देर बैठ के पढ़ ले। डैनी तोड़ा ही रहोगा, डैनी कितने कौन जा पेपर चले जाएंगे। ठीक बैठ जा कोई देर, बता खुल के बिचू लाग गई है। ए देख फरसमती चल जा गया, आराम तो पकड़ ले आराम तो। जेड़ा पकड़ ले तो तेना गैस ले जाएगी, बांध देने छाया में ये रानी टोपी में क्या था पौने 3 बजे गया, इसमें वेरा लग गया, ससानी का टाइम हो गया। तो जी अभी बज गए हैं 3:45, थोड़ी सी देर के लिए मैं लेट गई थी और बस अभी भैंसों को सानी डाल देते हैं। 2 दिन मैंने थोड़ा थोड़ा व्लॉग बनाया है तब कहीं जाकर एक व्लॉग कंप्लीट हो पाया है, क्योंकि हमारा मन खुश नहीं होता ना, मन नहीं करता है तो जो हमारे घर के डेली के काम है ना वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। नहीं तो देखिए डेली हम घर का काम करते ही हैं, पता भी नहीं चलता है कि कब काम निपट गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे घर के डेली के काम रहते हैं ना वो करने भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं,
तो व्लॉग वगैरह बनाने का तो मन ही नहीं करता है, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही थी, तो मैंने सोचा चलो धीरे धीरे करके फिर से अपनी रूटीन के कामों में लगते हैं। तो बस दो दिन थोड़ा थोड़ा व्लॉग बनाकर मैंने एक व्लॉग बनाया है। अभी भैंसों को सानी डाल दी है, भैंस को तो अभी भी हम कच्चे में ही बांधते हैं, इसको पक्के में हमने बांधना स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि इसके पैरों में अभी भी हल्का हल्का दर्द है। बस ये है कि पहले से थोड़ा बहुत सुधार है, पर अभी काफ़ी टाइम लगेगा। डॉक्टर ने बताया था कि 1-1.5 महीना तो लग ही जाएगा इसको बिल्कुल ठीक होने में, क्योंकि जो मुँह की मुँह खुरी रहती है ना, जैसे भैंस, कई बार भैंस या पशु कोई भी मुँह से मुँह खुरी आता है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। पैरों की जो मुँह खुरी होती है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है ठीक होने में, बाकी तो मुझे पता नहीं है। डॉक्टर ने हमें कुछ ऐसा ही बताया था कि जो पैरों वाली मुँह खुरी है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है ठीक होने में। तो जी बस अभी भैंसों को सानी डाली, उसके बाद फिर ये खेत से आ गए थे, चाय पी, अपना जो थोड़ा बहुत घर का काम है वो निपटाया, और फिर मैं बड़ाई में चली गई थी, गोश्ते वगैरह उठाए, 2 दिन का गोबर इकट्ठा हो रखा था वो थाप कर आई हूँ। अभी दूध उज दिया है, थोड़ा सा सुबह का दूध था, थोड़ा सा अभी का है, भैंस भी दूध से बिल्कुल सूख गई है। तो सुबह मैंने दूध गर्म गर्म नहीं रखा था, बस फ्रिज में उठा कर रख दिया था, तो दोनों टाइम का दूध अभी इकट्ठा ही गर्म कर लेते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा दूध रहता है तब तो आराम गर्म होने के लिए रख देते हैं। बच्चे भी मेरे पास ही बैठ गए थे। रितिका का तो ये है कि बैठे बैठे बच्चे भी बोर होने लगते हैं, कितनी देर पढ़ाई करें, पूरा दिन ये रहता है कि बस थोड़ा बहुत पढ़ लें। लेकिन ये है कि पेपरों के टाइम में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पूरा दिन बच्चे पढ़ भी नहीं पाते हैं। और हमारी ये रहती है कि चलो अभी पेपर स्टार्ट हो गए हैं तो बच्चे जितना ज़्यादा पढ़े उतना ही अच्छा है। वैसे मैं तो इतना ज़्यादा दबाव बच्चों पर डालती नहीं हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि देखिए पढ़ाई भी एक लिमिट की ही होती है, ऐसा तो है नहीं कि बच्चे हर वक्त पढ़ने के लिए ही बैठे रहें, क्योंकि हर टाइम किताब आँखों के सामने रहती हैं, तो जो भी बच्चे याद करते हैं वो थोड़े से टाइम के बाद भूल जाते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ खेलना कूदना, इधर उधर घूमना फिरना, वो सब भी ज़रूरी है। और आज डिनर में मैंने कढ़ी और चावल बनाए हैं, तो कढ़ी तो बनकर तैयार हो गई है, चावल थोड़े से रितिका ने गैस पर रख दिए थे, चावल भी बन गए हैं। अभी इनके लिए बनाऊंगी थोड़ी सी रोटियां, क्योंकि ये कढ़ी और चावल दोनों ही चीज़ खाना पसंद नहीं करते हैं, मीठे चावल तो फिर भी थोड़े बहुत खा लेते हैं, लेकिन आज मैंने मीठे चावल नहीं बनाए थे, नमकीन बनाए थे, थोड़ा सा नमक डालकर। वैसे हमारे यहाँ ज़्यादातर कढ़ी दाल के साथ मीठे चावल ही बनाए जाते हैं, वैसे भी सबको मीठे चावल ज़्यादा पसंद है, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा नमक डालकर बनाए थे। ये नमक वाले चावल भी ठीक ही लगते हैं, किसी भी सब्जी के साथ खाइए आप। वैसे हम जो फीके चावल बनाते हैं ना, उससे मुझे ये ठीक लगते हैं, क्योंकि हम सब्जी में चावल मिक्स करते हैं तो उसमें फिर हमें ऊपर से नमक डालना पड़ता है, इससे अच्छा है कि हम चावल में ही थोड़ा सा नमक डालें, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, नमकीन से चावल हो जाते हैं हमारे, जैसे जीरा वगैरह डालकर कभी कभी हम जीरा राइस बनाते हैं ना, बस वैसे ही। इन दोनों बहन भाई को तो चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन कढ़ी चावल या फिर दाल चावल और किसी सब्जी के साथ ये चावल नहीं खाते हैं, और बच्चों का यही है, इनका खाने पीने का अपना एक तरीका रहता है, ऐसा नहीं है कि हम जो बोल देते हैं वही खा लेते हैं, या फिर खाने में थोड़े से ज़्यादा ही नखरे रहते हैं। तो जी बस अभी बच्चों का खाना हो गया है इनके लिए, और डैनी के लिए बना देती हूँ थोड़ी सी रोटियाँ, और अभी लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर मिलूंगी एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।